प्रायोजित फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। सिमरिया विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के पंकज सिंह पटेल ने रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। पंकज पिछला दो चुनाव सिमरिया से लड़ चुके हैं, कम ही वोट से हारे थे, एक बार फिर से अपनी किस्मत अजमा रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भैया, नामांकन भरा है और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह की कार्ययोजना है आप? भैया, सबसे बड़ी हमारे यहाँ की जो समस्या है, 5 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। जो हमारे विधायक जी थे, खाली जो है तो भूमि पूजन किए हैं और पुराने कामों का शिलान्यास किए, लोकार्पण किए, और जो है जो नए काम को जो है तो इन्होंने बता रहे हैं उनका रिन्यूअल काम हुआ, तो विकास कार्य तो हमारे यहाँ हुआ नहीं। फिर दूसरा जो है तो शिक्षा की मामला है, शिक्षा में जो है तो हमारे यहाँ का बिल्कुल बहुत घटिया स्तर है। स्कूल जो है तो ये मामा की सरकार जो है, मामा की सरकार मध्य प्रदेश में जो पहले मोहल्ले में स्कूल खुली थी EGS की, और लगभग मध्य प्रदेश में 17,000 स्कूल बंद कर दिए, जबकि आबादी बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, स्कूलों की संख्या बढ़ना चाहिए, लेकिन ये मामा की सरकार जो है तो स्कूल बंद करके और जो है तो छोटी छोटी लुभावनी योजनाओं को लागू करके, और ये चाहते हैं कि हम सरकार बना लें, और इसको जो है तो जनता हमारे क्षेत्र की अच्छी तरह से भली भांति से जान चुकी है। विधायक जी ने तो अपने कामों की झड़ी लगा दी है, उन्होंने बोला कि हम करोड़ों का काम कराए हैं, उस पर आप क्या कहें? बिल्कुल, उनका जो आप कह रहे हैं झड़ी तो लगी है, कागज में झड़ी लगी है, और उन्होंने जितना बजट बताया, जितनी उन्होंने कार्य योजना की घोषणा की, भूमि पूजन किया है, वो मेरे ख्याल से कि पूरे मध्य प्रदेश का उतना बजट ही नहीं जितना उन्होंने भूमि पूजन कर दिया है। कई कद्दावर नेताओं का कह रहा है आपके सामने, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं भैया? ये रीवा की ज़मीन जो है तो एक अलग टाइप की ज़मीन है, ये जो है सफ़ेद शेरों की धरती है, ये यमुना शास्त्री की धरती है। यहाँ जो है जब जब अहंकार बोला है तब तक उस अहंकार को हाथी ही रौदा बिंद में, आपके सामने रिकॉर्ड है। महत्वपूर्ण क्या काम रहेंगे आपके सामने? हमारा महत्वपूर्ण, देखिए, पहली बात तो गरीबों के हित के जो काम है, जैसे आज़ादी के 77 साल हो गए, 77 साल में आज भी जो है तो हमारे यहाँ के आदिवासियों को पट्टा नहीं मिला है, और उनको जो है तो कहीं गाय के नाम पे, कहीं बैल के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे जो है तो ज़मीन को अधिग्रहित करके और 10 साल में बस्ती का जो है उजाड़ देते, विस्थापित कर देते। तो पट्टा दिलाना है, जो भूमिहीन हैं उनको ज़मीन दिलाना है। हमारा फिर सबसे बड़ा काम है शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, और सबसे बड़ी हमारे यहाँ की जो समस्या है पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पानी की समस्या। पानी को जो है तो जरमोहरा बांध में नर्मदा का गिराना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। यही तमाम जनहित के मुद्दे हैं। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।